हाय गाइस, मैं हूँ लीजा। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। अभी हम जहाँ से हैं, अभी लगभग 9:30 हुआ है, तो यहाँ से जाने के लिए 40 या 45 मिनट का टाइम लगता है। ब्रेकफास्ट करके निकले हैं। वैसे ये सब ये USG करने के लिए या फिर ब्लड टेस्ट के लिए कोई वैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप खा के निकल सकते हो। हम लोग भी ब्रेकफास्ट करके ही निकले, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जा रहे हैं। अभी देखते हैं रिपोर्ट क्या आता है, कब आता है। सो गाइस, प्लीज विश मी लक टू गेट पॉजिटिव रिजल्ट। सो आई एम लिटिल स्केयर्ड, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस टेस्ट था उसका रिपोर्ट उतना अच्छा तो फर्स्ट टाइम नहीं आया, तो इसीलिए आज का रिपोर्ट लेके मैं थोड़ा बहुत टेंस्ड हूँ, क्योंकि इस टेस्ट के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। एक्चुअली जब आप डबल मार्क का टेस्ट कराते हो ना, वो टाइम पे मेनली इम्पोर्टेंट रहता है एंटी स्कैन, जो आपका USG का मेजरमेंट्स है, वो मेजरमेंट प्रॉपर होना एंड डेज कैलकुलेशन ऑफ डेज। और हम लोगों का एंटी स्कैन में शायद गलती हुआ था, इसीलिए डबल मार्क का टेस्ट का रिपोर्ट गलत आया था। डबल मार्कर टेस्ट इज फाइनली जो रिस्क असेसमेंट देता है ना, वो रिस्क असेसमेंट इज अ स्टैटिस्टिकल असेसमेंट बिटवीन योर जो भी आपका ये है ना एंटी स्कैन का मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट के साथ जो आपका ब्लड टेस्ट का रिजल्ट है, उस ब्लड टेस्ट का रिजल्ट का एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। तो वो एनालिसिस अगर किसी भी मतलब एंटी स्कैन का मेजरमेंट गलत आया, उसका डेज काउंट गलत आया, या फिर आपका जो नॉर्मल एज वगैरह सब कुछ बहुत फैक्टर्स रहता है उसमें, तो वो सारे चीज अगर गलत है, इन्फॉर्मेशन कहीं से भी इन्फॉर्मेशन गलत है, या फिर जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट गलत आया किसी रीजन से, मे बी आपका रेडियोलॉजिस्ट जो है उनका जो कैपेबिलिटीज है, या फिर उनका जो मतलब मेजरमेंट लेना है वो अगर गलत हुआ बाई चांस, देन ऑल्सो वो खराब आ सकता है। Exactly. तो एक्चुअली हम लोगों के केस में USG रिपोर्ट देख के डॉक्टर ने पहले USG रिपोर्ट देख के ही डॉक्टर थोड़ा रुट गए थे, बिकॉज उनको जो मेजरमेंट लिया हुआ था वहाँ पे क्लैरिटी नहीं था। जो USG रिपोर्ट में जितना क्लैरिटी होना चाहिए था, जितना जूम फैक्टर होना चाहिए था रिपोर्ट मेजरमेंट के लिए, उतना जूम फैक्टर था नहीं। सो उन्होंने फिर बोला कि एक सजेशन है कि नेक्स्ट आप या तो NIPT कर सकते हो, या फिर NIPT छोड़ के दूसरा एक है जो बेबी का सैंपल कलेक्ट करके काइंड ऑफ बायोस्कोपी जैसा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। सो वहाँ पे वो दूसरा वाला एक होता है, वो कर सकते हो, मतलब दोज आर वेरी कॉस्टली, दे गोज बियॉन्ड 30,000 अराउंड। नहीं, उसका नाम तो कुछ था NIPT, NIPT ब्लड टेस्ट है। हाँ, NIPT ब्लड टेस्ट था, अगेन इट्स अ रिस्क असेसमेंट टेस्ट, और एक सजेशन है कि फिलहाल आप रिपीट टेस्ट करो एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज उसका डेज जो फैक्टर है ना, डेज मैटर करता है। एग्जैक्टली, वैसे अभी हम लोग वही सेंटर में जा रहे हैं, वो एक रिनाउंड सेंटर है वाशी में हम लोग जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं, तो अभी जाने के बाद देखते हैं क्या होता है। USG का जो भी रिपोर्ट आता है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। विश मी गुड लक टू गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट। अभी कितना बजा है? 10:20। तो अभी 10:20 है, हम लोग वाशी के वो सेंटर पे पहुंच गए हैं स्कैन करवाने के लिए। तो देखते हैं क्या आता है स्कैन का रिपोर्ट, जो भी है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हाय गाइस, सर अराउंड 12:10 हो गया है, रिपोर्ट भी आ गया है, तो हम लोग वाशी से निकल चुके हैं। अभी हम लोग खारगा जा रहे हैं, टेस्ट करना है, लास्ट टेस्ट। एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल, USG का रिपोर्ट अभी तक तो नॉर्मल ही बताया है उन्होंने, अभी देखते हैं ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट कैसा आता है। जो भी जैसा रहेगा, जो भी रिपोर्ट रहेगा। तो हम लोग अभी घर पहुँच गए हैं, थोड़ा लेट हो गया घर पहुँचते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी, तो हम लोगों ने बाहर से थोड़ा खाना वाना खा के अभी घर पे आ गए हैं। तो आज का एंटी स्कैन डबल मार्कर टेस्ट दोनों हो गया है। रेडियोलॉजिस्ट ने जैसा एंटी स्कैन का रिपोर्ट देख के बताया है कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, वैसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए।
शायद पिछले टाइम में एनटी स्कैन जहाँ से करवाए थे वही का ही प्रॉब्लम है, इसलिए डबल मार्कर टेस्ट का रिपोर्ट सही नहीं हुआ है। तो जब भी आएगा रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे डबल मार्कर टेस्ट का रिपोर्ट क्या है। सो प्लीज़ प्रे टू गॉड कि मेरा ये सेकेंड टाइम का जो डबल मार्कर टेस्ट का रिपोर्ट है वो प्रॉपर आ जाए, ताकि मुझे वो NIPT एमनियोसिंथेसिस ये सब करवाने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो बहुत कॉस्टली है, और सेकेंड उसका रिपोर्ट आने में भी 2 हफ्ते का टाइम लगता है। तो 2 हफ्ते तक वेट करना, उसके बाद अगर कुछ गलत होता है तो जाके और एक ड्रास्टिक स्टेप लेना, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आई डोंट नो मैं क्या करूँगी। सो गाइज प्लीज़ 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 प्रे फॉर मी कि ये टाइम पे सब कुछ प्रॉपर आ जाए। क्योंकि अभी इस बार हम लोगों ने रिनाउंड सेंटर से करवाया है, और जहाँ से करवाया है वहाँ पे गलती होने के कोई चांसेस नहीं है। तो अगर आपको आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड या फिर कुछ भी मैं इस चैनल पे अपलोड करती रहूँगी उसके नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। टिल देन बाय बाय।